हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। जो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, दैट इज़ IQ। ये एक ऐसी टर्म है जो आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुनी होगी और आप बोलते भी होंगे। तो क्या होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन व्हेन वी टॉक इट इन टर्म्स ऑफ द साइकोलॉजी। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव एंड अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है जिसको कि हम नंबर्स में और स्टैटिस्टिक्स के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्सन पे, किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये एक डेफिनेशन है, आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आता है इस तरीके से। So you can define intelligent question as a quantitative and the statistical representation of an individual score on a standardized intelligence test. ये बहुत widely use किया जाता है to compare the intellectual ability with the average score. मतलब जब हमें कुछ ऐसा पैरामीटर चाहिए होता है कि हमें किसी की उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को नापना होता है, मेजर करना होता है, एंड वी वांट टू कंपेयर विद एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर क्या होता है? एवरेज स्कोर हमें तब मिलता है जब हम सैंपल लेते हैं ऑफ सिमिलर पीपल, यूजली ऑफ सेम एज ग्रुप। मतलब अगर हम एक 6 साल के बच्चे का इंटेलिजेंस जानना चाहते हैं तो हम एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे? हम 6 साल के बहुत सारे बच्चों के टेस्ट कंडक्ट करके एक एवरेज स्कोर निकालते हैं, जिसको कि हम एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया मानते हैं एक एवरेज स्कोर का। अब ये बहुत लाजमी है कि जब हम किसी इंडिविजुअल का जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे तो या तो वो जो एवरेज है उससे या तो स्कोर हाई होगा या लोअर होगा या फिर एवरेज होगा। तो उसी प्रकार से हम जो है उसकी मेजरमेंट कर पाते हैं। व्हाट इट इज़ एक्चुअली में IQ होता क्या है? मैंने ये तो बता दिया। IQ एक ऐसा स्कोर है जो कि हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करके, जो डिज़ाइन टेस्ट यूज़ करके ह्यूमन इंटेलिजेंस जानने की कोशिश करते हैं, उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये IQ टर्म आया कहाँ से? दिस IQ टर्म वॉज कॉइंड बाय द फेमस साइकोलॉजिस्ट नोन एज विलियम स्टर्न। और ये एक जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे जो कि अपनी बुक पे काम कर रहे थे, एंड उन्होंने ये जर्मन टर्म दिया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिससे ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन बना और IQ इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। तो बेसिकली वो अपनी एक स्कोरिंग मेथड पे काम कर रहे थे विच ही वाज डूइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्लो, और जो कि इन्होंने अपनी एक बुक 1920 में पब्लिश करी थी, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो IQ कैसे निकाल सकते हैं, उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया IQ एक ऐसा स्कोर है जो कि हमें मेंटल एज क्या होती है? वो एज, जैसे कि मान लीजिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 6 साल का बच्चा अच्छे से बोल सकता है, चल सकता है, बात कर सकता है, वो सारी एबिलिटीज़ जो एटलीस्ट मिनिमम एक 6 साल के बच्चे को करनी चाहिए। सो वो मेंटल एज हम कैसे पता लगा पाते हैं? बाय एडमिटिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट, जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, एंड वी डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो उसकी बर्थ एज है, हम इन दोनों को ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं एंड उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आगे और डिस्कस करने वाली हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी सम हिस्ट्री कि ये IQ और इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहाँ से आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था? इट वाज एन इंग्लिश स्टैटिस्टियन फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए जिससे कि पर्सन का इंटेलिजेंस को रेट किया जा सके। वो कौन थे? वो एक साइकोमेट्रिक्स के ज्ञाता थे, एंड उनको जो है स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन मेथड वो यूज़ कर रहे थे टू नो द ह्यूमन डाइवर्सिटी। मतलब ह्यूमंस में डाइवर्सिटी क्यों है, भिन्नता क्यों है, उस पर वो शोध कर रहे थे। और वो पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेड्स इनहेरिटेंस। मतलब उनका एक हद तक मानना यह था कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी बेस्ड है। तो इस पर वो शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बट उनका जो इतना जो टेस्ट था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो लेटर ऑन जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया ऑन द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वो थे अल्फ्रेड बिनेट, जो कि एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने विक्टर हेनरी और थियोडोर सिमेन के साथ काम करके 1904 में ही पब्लिश्ड अ बिनेट-सिमन टेस्ट, जो कि वर्बल एबिलिटीज़ पर फोकस करती थी, जिससे कि उनको लगता है कि वर्बल एबिलिटीज़ का असेसमेंट करके हम इंटेलिजेंस असेस कर सकते हैं। और उनका जो टेस्ट था मेनली उसका उद्देश्य था कि मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको और हेल्प की जा सके। बट ये जो बिनेट-सिमन टेस्ट था वो लेटर ऑन बन गया स्टैनफोर्ड-बिनेट। वो कैसे बना? तो जो स्कोरिंग था, जो बिनेट-सिमन स्केल था, वो बेसिकली बच्चों के लिए किया गया था। वो चाहते थे कि हमें मेंटली रिटार्डेड बच्चे को पता चल जाए स्कूल में, ताकि उनको एक्स्ट्रा केयर करी जा सके। जैसे कि उन्होंने मोस्टली किया छोटे बच्चों पे, लाइक 6 ईयर ओल्ड बच्चों पे। तो उन्होंने क्या, बेसिकली उन्होंने वो सारे टास्क फाइंड आउट किए जो कि 6 साल का बच्चा कर सकता है, एंड वो जो है उसकी मेंटल एज को मैच की क्रोनोलॉजिकल एज के साथ। बट लेटर ऑन बिनेट को लगा कि इंटेलिजेंस जो है सिर्फ एक तरीके का नहीं हो सकता, इसके मल्टीफेसेटेड होता है, मतलब बहुत फेसेस हो सकते हैं इंटेलिजेंस के। सो ही वांटेड दैट ही केम अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिकल जजमेंट। तो उनको जो है प्रैक्टिकली एक अच्छा सा टेस्ट और उनको देना चाहते थे। उनको लगता था कि ये टेस्ट जो उन्होंने किया वो सक्षम नहीं है, तो उन्होंने उसकी लिमिटेशंस जानी, एंड ही स्ट्रेस्ड कि इंटेलिजेंस जो है बहुत डाइवर्स है, तो इसको जो है हमें देयर इज़ नीड टू स्टडी इट इन ए क्वालिटेटिव वे, मतलब हम उसकी क्वालिटी पे फोकस करें रादर नॉट ऑन दी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटेटिव स्कोरिंग को ना लेके हम उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने लुइस टर्मन, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उस टाइम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके साथ उन्होंने काम किया और बिनेट-सिमन स्केल को उन्होंने बना दिया स्टैनफोर्ड-बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 1916 में आया, एंड उस टाइम का ये बहुत पॉपुलर टेस्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड फॉर द डिकेड्स इट वाज वेरी फेमस। उसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने यूज़ किया फॉर असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से जो बिनेट-सिमन टेस्ट था वो स्टैनफोर्ड-बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बन गया। नाउ आईक्यू मैथमेटिकल फार्मूला, जिस फार्मूले का मैं बता रही थी वो ये है कि हम कैसे एक पर्सन की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो पहले समझने की ज़रूरत है कि मेंटल एज क्या होती है। वो एज होती है जो कि हम टेस्ट से पता लगाते हैं, और वो टेस्ट से क्या पता लगाते हैं कि इतने साल का बच्चा क्या क्या मिनिमम एवरेजली कर लेना चाहिए। और वो हम कैसे करते हैं? वो करते हैं कि हम सैंपल ले लेते हैं सेम एज ग्रुप का और उसका एवरेज इंटेलिजेंस निकाल लेते हैं, उससे फिर हम एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ अ मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हमारी जो बर्थ एज होती है, जैसे 6 साल का बच्चा है क्योंकि 6 साल पहले पैदा हुआ था, तो दैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज। इसको क्या करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो IQ बिकम्स MA, दैट इज़ मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू दी 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 साल का कोई लड़का है या लड़की है और ही और शी आंसर द क्वेश्चंस लाइक अ टिपिकल एवरेज 20 ईयर ओल्ड, तो उस पर्सन का IQ क्या होगा? 100 होगा। मतलब अगर 20 साल का लड़का है और वो टिपिकली उसी 20 साल के एवरेज लड़के के बराबर सही आंसर देता है, तो उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? 20। क्रोनोलॉजिकल एज का हो जाएगा 20, उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका IQ क्या हो जाएगा? 100। तो ये होता है IQ मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, जो मैं आपको बता रही थी। नाउ रिसेंट ट्रेंड्स में क्या है फ्रेंड्स, ये पहले की बात है, और आजकल जो है रिलेटिव IQ स्कोर पे वेट जोर दिया जाता है। रिलेटिव IQ स्कोर क्या होता है कि हाउ अ पर्सन स्कोर्स रिलेटिव टू अदर पीपल ऑफ द सेम एज, मतलब एक इंडिविजुअल है वो उसी ही एज ग्रुप के सर्कल में या सैंपल से उस पे कितना उसका स्कोरिंग है रिलेटिव देखते हैं, मतलब उससे कितना एसोसिएटेड है। तो नाउ पीपल गेट असाइन एन एवरेज स्कोर ऑफ 100. आजकल 100 एवरेज स्कोर असाइन कर देते हैं. एंड देन द एक्चुअल स्कोर्स आर कंपेयर्ड ऑन द सीरीज ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट टू दिस एवरेज स्कोर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में देखते हैं कि कितना वो स्टैंडर्ड से डेविएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्कोर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, मीन मतलब 100 मीन निकाल लिया है, एंड यू डेविएट 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस आती हैं, तो यू वुड स्कोर 130 सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 15 पॉइंट्स की है. इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, बट ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया है. बहरहाल हम IQ की बात कर रहे हैं, तो IQ क्या है? IQ इज द मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द IQ. आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आएगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.